दोस्तों इस वीडियो में हम बोट का केबल जो 99 रुपीज़ में मिल रहा है इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। देखिए अभी भी 99 में मिल रहा है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं अमेज़न से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो मैंने इसको कट कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले बिल है, उसके बाद ये बोट की तरफ से। ओके, तो ये बोट की तरफ से मुझे USB केबल मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 एम्पीयर तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये 1.5 मीटर का वायर है, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा है। ये मेरे पास पुराना वाला भी पड़ा हुआ है तो मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। मैं पुराना लगभग 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ इसको, और हर बार मैं इसको अमेज़न से खरीदता हूँ 99 रुपीज़ में। ये सेल में मिलता है, अभी भी मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से खरीद लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एलुमिनियम टिप है, ये सारा चीज़ है। तो अब इसको खोल के देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो ये इस तरह से है और ये निकल गया। तो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ, बोट का कस्टमर केयर का है, कियारा आडवाणी, 2 साल का वारंटी है। उसके ऊपर हमने अपने चैनल पर वीडियो बना रखा था, ये अभी मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अंदर बैठा हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं इतना लंबा केबल है, ये मुड़ा हुआ केबल पूरा। ये मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ में पड़ी है। सबसे इसका खासियत ये जो केबल है ना, ये इसकी वायर आप देख सकते हैं नाइलोन का बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर मैं एक बार चेयर रख के बैठ गया था तब ये हिला भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं था। तो ये 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। टाइम के साथ क्या होता है ना, मैं पुराना वाला आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास पुराना वाला पड़ा हुआ है, ये लगभग 2-2.5 साल हो गया, काम तो अभी भी करता है। थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, अभी भी मैं काम ले लेता हूँ इससे। अब ये दोस्तों पुराना वाला आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का डेंट नहीं है यहाँ पे केबल में, ये भी सही है। यहाँ पे टाइम के साथ क्या होता है, मैं अपने नीचे से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा क्लीन होने दीजिए वीडियो को। यहाँ पे ये दब जाता है, दबता कैसे, बार बार निकालने लगाने से यहाँ का जो है ना, जो फिक्स होता है, ये फिक्सिंग का नीचे वाला ना दब जाता है, अंदर चला जाता है, तो ये टाइट नहीं रह पाता है, लूज़ हो जाता है धीरे धीरे, निकालते बाहर चार्जिंग के लिए। तो ये लूज़ होने के बाद ना आपको मोबाइल सही से चार्जिंग पकड़ेगा नहीं, चार्ज होगा लेकिन आपको बीच बीच में आकर ऐसे हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो नीचे का है ना नोब, वो थोड़ा अंदर अंदर घुस जाता है, तो अंदर घुसने से ये आपको चार्जिंग सही से पकड़ेगा नहीं। तो फिर भी मैं इसको रखा हूँ, अब जब मुझे लगेगा, क्योंकि जो मोबाइल में भी ढीला हो जाता है ना अंदर का जैक, तो ढीला हो जाता है, तो मैं नया वाला फिर इसको यूज़ करूँगा। तो इसको मैंने फिलहाल सेल में मंगा के रख लिया है, क्योंकि ये चार्जिंग केबल बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर आपको मिस हो जाएगा ना तो आप मोबाइल आपका चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि जो मोबाइल के साथ देता है वो फालतू देता है, वो कोई काम का नहीं आता है, फट जाता है। ये देखिए, ये मेरे पास ओप्पो का है, ये मोबाइल के साथ वाला चार्जर है। देखिए इसका क्या हाल हुआ है, यहीं से ये खराब हो गया। अभी मैं इसको खरीदने जाता हूँ तो ये 250 रुपया बोलता है। 250 रुपया में सिर्फ 1 मीटर का ये केबल, ये ढंग से मेरा सॉकेट तक भी नहीं पहुँचता है चार्जिंग के लिए, तो मैं इसको क्यों लूँगा फिर दोबारा। उससे बेटर है ना कि मैं ये वाला नाइलॉन का बना हुआ लूँगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको भी आपको बोलता हूँ कि आप यही वाला USB केबल खरीदें। USB और टाइप सी दोनों में ये आता है, थोड़ा रेट का फर्क है। ये USB माइक्रो USB टाइप 99 में मिलेगा और लगभग 149 में सी टाइप आपको मिल जाएगा। चार्जिंग का यहाँ पे एम्पीयर देख लीजिए, जिस तरह का आपका फास्ट चार्जिंग है, नया वाला रियलमी मोबाइल में 50-60 वाट तक फास्ट चार्जिंग आता है, तो वो तो फिर आपका जो केबल साथ में देता है मोबाइल का उसी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल मोबाइल के लिए है कि जो 10,000 तक आता है 18 वाट का, जिसमें चार्जिंग देता है उतना तक के लिए ये सही है। बाकी आप देख सकते हैं, इसको घर में मंगा के रख सकते हैं। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, मैंने मंगा के दिखा दिया। मैंने इसे बाहर कर लिया है, मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये मेरा पावर बैंक लग गया और ये मैं जियो का मोबाइल, अभी फिलहाल घर में यही खाली मोबाइल चल रहा है, बाकी स्मार्टफोन बिजी है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इस तरह से चार्जिंग लगा दिया मैंने, फिक्स कर दिया। तो देखिए चार्ज होना चालू हो गया, यानी कि केबल सही से काम कर रहा है। अब इसमें 2 साल का वारंटी और 7 दिन का रिप्लेसमेंट दिया है, तो मैं इसका बोर्ड का कस्टमर केयर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसका भरोसा करता हूँ हमेशा। 2 साल का वारंटी बहुत बड़ा बात होता है। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर लिंक दे देते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट डील के लिए। आशा है वीडियो पसंद आई होगी आपको, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। इसको अलग अलग कलर में आता है, रेड ब्लू ये सब में, मैंने ब्लैक में मंगाया था, जल्दी मेरे से मतलब कार्ट में ऐड हो गया, वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ब्लू वाला जल्दी बिक जाता है।